हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फैजिया कर रहे थे। आला हजरत की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, कहा कि हजरत अगर दिलों को सुकून न मिले तो क्या करना चाहिए। मेरे आला हजरत बरेली के टूटी हुई चटाई पे बैठ के इरशाद फरमाते हैं, अगर दिलों को सुकून न मिले तो किसी अच्छी आवाज के मालिक से तिलावत कलामुल्लाह सुन लिया करो, या तो फिर किसी अच्छी आवाज के मालिक से नबी के नाम, दिलों को सुकून मिल जाएगा। तो आप हजरात जितने टीटीएस टनाटन सुन्नी है, उन लोगों से गुजारिश है कि जो टीटीएस टनाटन सुन्नी होगा ये पंडाल में नजर आएगा, और जो टीटीएस टनाटन सुन्नी नहीं है उसे कोई गुजारिश नहीं है। जो हजरात सुन्नी होने का दावा करते हैं वो हजरात पंडाल में तशरीफ लाइए और सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाइए। अभी हजरत हाफिज हमारी शहरयार साहब तिबला तिलावत कलाम पाक से ये मैसेज दे रहे थे कि फरिश्ते आएंगे, आकर लौट जाएंगे, सदाए जब कहीं कुरान चुना पाएंगे। तुम अपने बच्चे को ऊपर बिजलियां गिराते हो, तुम ही बताओ हाफिज कुरान कहाँ से आएंगे, तुम ही बताओ हाफिज कुरान कहाँ से आएंगे। हकीकत तो ये है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया कुछ अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। वैसे भी मुझको पता है, एक रिक्शे वाले से कहा भैया स्टेशन ले चलियो, हमारी सूरत देख के बोला तू भाड़ा दे भैया, फर्स्ट क्लास के 10 रुपए, सेकंड के लिए वो 4, थर्ड क्लास के 2 रुपए, यह रेट हमार। हमने कहा रिक्शे वाले भैया जरा हमका ही बताओ, एक रिक्शा कितनी दर्जे, वो कैसे समझाओ। कहा 10 रुपया में ऐसे ले चल रहे जैसे हेलीकॉप्टर, और 4 रुपया में गड्ढा पड़ता है या ठोकर, 2 रुपया जो हमका देवे रहे मामला उल्टा, हम रिक्शा पे बैठ के चल रहे तू चले हो रिक्शा। कई ऐसा कभी कभी ऐसा मामला होता है, लेकिन आप सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस पे आए हैं तो इंशाल्लाह रहमान आप यहाँ से कुछ ले करके जाइएगा, और ऐसा चीज ले करके जाइएगा जो मार्केट में नहीं नजर आएगा। आप अगर समझ में आ रहा है तो आप इधर बैठिए, इसलिए कि फर्स्ट पे बैठना मेरे नबी की सुन्नत है। इसलिए कि जब सहाबाए किराम नबी की नाक पढ़ते थे तो सरकार चादर बिछा दिया करते थे और खुद नीचे बैठ जाते थे, और नाक पढ़ने वाले मिंबर पर खड़े होकर के नाक पढ़ते थे। इसलिए माशाल्लाह अभी देखिए चिरागे दौर हवा पे जला दिया जाए, फिर इसके बाद कोई फैसला किया जाए। तरीका यह है जल्दी से अमीर बनने का, नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया जाए, नबी के नाम पर सब कुछ उठा दिया जाए। वैसे तो न बहुत ऊपर का दीजिए न बहुत नीचे का दीजिए, जब भी दीजिए तो कुतरा कर करके दीजिए, 10-20 हो तो 16 का काम चल ही जाएगा, 100-500 हो तो इनाम को दीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, आप नोटबंदी से परेशान है, जीएसटी से परेशान है, पहले हम नोटबंदी से परेशान थे लेकिन अब नोटबंदी जीएसटी चल रहा है। आप घबराइए मत, आज की इजलास में है उस मंदी का असर सुन्नियों पे कैसे होगा, नोटबंदी का असर शुरू किया था वो शेर पढ़ना शुरू करूंगा। वैसे तो अभी जियो का जमाना है, कुछ लोग इस तरह से शेर सुन रहे हैं कि जियो का फोन भी लेकिन इंशाअल्लाह उनका गुलाम पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। ये 4 विषय पढ़ता हूँ, जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा, सजा लो उसके नबी के कंप्यूटर में, क्योंकि ये डाटा कयामत में काम आएगा, क्योंकि ये डाटा कयामत में काम आएगा। उसको मालूम है कि बहुत बिगड़े हुए हैं हालात इंटरनेट पर, बात भी करते हैं दिन रात इंटरनेट पर, ये क्या करें भैया। लेकिन देखिए बुखारी शरीफ की हदीस ये भी है कि जो तस्वीर बनाता है सबसे पहले जहन्नम में वही जाएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है ना। एक थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ये सुन्नत मुस्तफा से कुछ पैगाम लीजिए, है ना। बिला ताखीर वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है,
और आपको मालूम है आज की सरसमी पर मेरे तरीके रब रहना है शरीयत बरकत अकीदत आबरू के सुन्नियत शहदादाए हुजूर सिराजे मिल्लत हुजूर नहीं में मिल्लत हजरत अल्लामा शाह मौलाना नईम उलोना साहब जिला कादरी आस्थाना बैतुल अरबार के वाल निगाह की आमद हो गई है। आप हजरत मेरे तरीके की जियारत भी करेंगे और साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिद मसलक आला मसलक आला हजरत का बेबाक तर्जमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब के नाम का खूबसूरत खिताब होगा। साथ ही साथ खतीब नौजवान फसीहुल लिसान मुबल्लिग के आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी फैजान साहब के बड़ा गोरखपुर की खूबसूरत तकरीर से आप हजरात महसूस होंगे। बिला ताखीर आइए सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। मैं चाहता हूँ पहली शायर के हैसियत से जनाब मोहतरम हैसियत रजा साहब को मैं आवाज दे रहा हूँ वो माइक पर आ रहे हैं। आइए उनके आने से पहले अपने हाथ उठाइए लहरा कर आइए एक मरतबा पूरा मजमा अपने हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब इसी तरह से नारा लगा लीजिए नारे तकबीर हमारे स्टेज वाले भी साथ दे नारे नारा। जो हजरत पीछे बैठे हुए हैं आप हजरत आगे आ जाइए इसलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल लजीना आमनु इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फी मजालिस जब तुमसे आवाज दी जाए करीब आ जाओ तो आ जाना चाहिए इसलिए कि मेरे पाक का ऐलान नहीं बल्कि कुरान पाक का ऐलान है। अगर मैं कुरान देख लीजिए मसल रखिएगा लेकिन मेरा नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाता है। आप हजरत अगर कुरान मुकद्दस में ईमान रखते हैं आप हजरत आगे आ जाइए जितने आयतल कुर्सी वाले हैं और अगर तकलीफ न हो ये कुर्सी अगर मजबूर है अगर पैर से तो आप कुर्सी पर बैठिए वरना आप आयतल कुर्सी वाले हैं वो कुर्सी नहीं। आप देख रहे हैं इलेक्शन का जमाना आने वाला है इलेक्शन करीब है कुर्सी के लिए लोग लड़ाई करते हैं आप आयतल कुर्सी वाले हैं। एक शायर कहा था कि दूसरे को नकम दिया करना प्यार दुश्मन से भी क्या करना अरे खेलने खेलने से कभी परेशानी तो आयतल कुर्सी पर दिया करना। तो हम लोग आयतल कुर्सी वाले हैं इस कुर्सी को छोड़िए इमाम हुसैन का सही बात करके महफिल रसूल में बैठिए। आइए बताता हूं नारा लगाइए नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। देखिए आप कम बोलते हैं तो खैर को आपका फायदा उठाता है कभी तलाक पे आता उठाता है कभी अजान पे पाबंदी लगाता है। मैं तो कहता हूँ कि बहिश पे मौला उसको मकान देता है नबी के नाम पर तो अपनी जान देता है कहाँ कहाँ पे पाबंदियाँ लगाओगे सुनो क्योंकि हर एक गाँव का मुर्गा अजान देता है क्योंकि हर एक गाँव का मुर्गा अजान देता है। नारे रिसालत गुजारिश करूंगा माइक की तशरीफ